हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सभी लोग हेल्दी और स्वस्थ होंगे। सो गाइस, सुबह हो गई है और मैं सो के उठ गई हूँ। अब पूरब को रेडी करूँगी, फिर उनको स्कूल भेजूँगी। और आज आरुष का है पोएम का कंपटीशन, तो उनको मैं अभी सोए हुए हैं, जब पूरब चले जाएंगे तो उनको 8 बजे मैं उठाती हूँ और रेडी करके आप सभी लोगों से मिलाती हूँ। तो मैं तब तक उनको रेडी कर लेती हूँ, तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ आरुष आज स्कूल में कौन सी पोएम बोलेंगे। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये हमारे घर में कौन प्यारा सा आया है? आरुष है इसके पीछे। आरुष, तुम तो बहुत ही डरावने लग रहे हो। तुम कौन हो? आरुष टाइगर। तो आरुष के स्कूल में है कंपटीशन रैमिस का और आरुष बने हैं टाइगर और वो रैमिस सुनाएंगे। रैम्स कैसे तुम्हारा है, पोयम कैसे है बेटा? बोलो अपना पोयम स्टार्ट करो। हंसो नहीं, बोलो ना। चलो 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 पोयम सुनाओ। द करो द पैरेट ऐसे कौन बोलता है? ऑल डे लॉन्ग द मंकी इन द जंगल से तो आप लोगों से आरुष अब स्कूल जा रहा है, तो आप लोगों से बाद में मिलता है। गाइस, आरुष स्कूल से आ गए हैं और वो खेल रहे हैं। ये देखो, ये कौन है हमारे घर आया है? टाइगर। आरुष, आप अच्छे से रैमिस बोले अपना। हाँ। टीचर क्या बोली? वो बोली कल मैं आप लोग को स्विमिंग पूल में लेके जाऊंगा। स्विमिंग पूल में ले जाने के लिए बोली? हाँ। अच्छा, और सब बच्चे को डराए कि नहीं? नहीं डराए। टाइगर आया आरुष। और टीचर ने बोला है मास्क पहन के आना। हाँ। स्विमिंग पूल में। अच्छा। हाँ। स्विमिंग पूल में मास्क पहन के कौन जाता है? हाँ बदमाश, कौन जाता है? तो गाइस, दोपहर के बज गए हैं 1 और आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ डोसा। डोसा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि पूरब काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि मम्मी डोसा बनाओ, मैं डोसा खाना। तो सुबह उन लोगों को टिफिन में इडली बना के दे दी थी और अब मैं डोसे की तैयारी कर ली हूँ और अब मैं डोसा बनाऊंगी, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं डोसा कैसे बनाती हूँ। अच्छा, आज आप क्या खाओगे? वो खाऊंगा, आज मैं खाने वाला हूँ डोसा। डोसा खाओगे? हाँ। अच्छा, तो अभी हम लोग डोसा बनाते हैं। हाँ। फिर आरुष को मैं देती हूँ, आरुष खाएगा। ओके, खुश है। आप क्या बोल रहे हो? मुझे सीखना है डोसा। डोसा अभी तो तुम छोटे हो ना, तब आप सिखा दो। मैं सिखा दूंगी और आप सीख जाओगे। हाँ। लेकिन आज टीचर क्या बताई है आपको कि गैस के पास नहीं जाना, तो कैसे डोसा बनाओगे? भैया को बनाने के लिए बोल दो। ठीक है, चलो अभी हम मैं जल्दी से डोसा बना के आपको देती हूँ। ठीक है? नहीं, भैया बना देगा। ओके, ठीक है, तब तुम अपने भैया का इंतजार करो, पूरब आएंगे फिर डोसा बनाएंगे। उनको हाँ। भी नहीं बनाने आता है, तो पाप बना दो। ठीक है, चलो मैं बनाती हूँ। तो गाइस, अब मैं अपना डोसा का बैटर फिर डालूंगी। ये डोसा आरुष के लिए बन रहा है। आज दोपहर के खाने में मैं बनाई हूँ डोसा सांभर और
चटनी सांभर अपने लिए बनाई हूँ, डोसा सिर्फ बच्चे लोग खाएंगे। यम्मी यम्मी लग रहा है हर उस पूरे काटने से आए। ये गया हमारा आलू का मसाला, बच्चे लोगों के लिए बनाना रहता है तो थोड़ा हल्का कम तीखा मैं बनाती हूँ। अभी पूरा 2 बजे स्कूल से आते हैं तो उनके लिए तभी बनाना पड़ेगा, क्योंकि डोसा तो गरम गरम ही अच्छा लगता है। यम्मी लग रहा है ना, यम्मी। बिल्ला इसको इसको एकदम ब्रेड होने देती हूँ। ये रहा हमारा चोखा। कैसा लग रहा है डोसा? बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। गाइस मैं आपको खाना खा के मिलूंगा, बाय। खाना खा के मिलोगे? हाँ। अच्छा हाँ। फिर क्या करोगे गाइस को, क्या बताओगे, कुछ करोगे, कुछ बताओगे आप? हाँ, कैसा लग रहा है, कैसा टेस्ट है डोसे का? बहुत अच्छा। हेलो गाइस, अभी मैं स्केटिंग कर रही हूं। पूरा भी स्केटिंग कर रहा है अपना, पूरा संभल के। उसका भैया बाबू समझा रहा है पूरा संभल के। चलो चलो चलो, कितना मस्ती करते हैं, आराम से। इतना फास्ट चला है, देख लो पूरब कितना फास्ट स्केट कर रहा है। आरो आरो तो बहुत फास्ट दौड़ रहा है। जीत रहा है, देखो कितना फास्ट भाग रहा है। तुम स्केट कर रहे हो फिर भी पीछे रह जा रहे हो। आरुष बहुत फास्ट दौड़ रहा है। आजा आजा बेटा, आजा आजा आजा, आरुष जीत जाएगा, वाह। आराम से आराम से आराम से आराम से। गाइस हम लोग नीचे से आ गए हैं घूम के, और अब पूरब अपना स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं। पूरब कौन सा होमवर्क कर रहे हो? मैथ्स। वाह। चलो गाइस फिर आपसे पूरब मिलते हैं होमवर्क करने के बाद में। पूरब और आरुष अपना स्कूल का होमवर्क कर लिए हैं, और आज का ब्लॉग हम यहीं पे करते हैं एंड। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें।